हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फॉर हैविंग सर क्लासेस। गाइस, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। रीजन भी आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हम लोग जब इक्वेशन को फॉर्म करते हैं तो इक्वेशन को फॉर्म करते समय हम लोगों को जो जो में प्रॉब्लम आती है उन प्रॉब्लम को हम लोग कैसे कैसे हम उन प्रॉब्लम से कैसे कैसे निकलेंगे। देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, दैट इज हम किस चीज को एक्स ज़ूम करें और किस चीज को वाई ज़ूम करें, आती है आप लोगों को प्रॉब्लम ये। सो गाइस, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो मैंने ऑलरेडी दी हुई है, फर्स्ट वीडियो की आप लोग देख लेना, इससे पहले वाली जो वीडियो है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं सेकंड वन। सेकंड क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या करना है, हमें कुछ उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ के रियल लाइफ के सिचुएशंस गिवन है और उसको हमने चेंज करके उन प्रैक्टिकल लाइफ जो सिचुएशन है उनको हमने उठाकर उसको हमने कन्वर्ट करना है। किस चीज में कन्वर्ट करना है, हम लोगों ने कन्वर्ट करना है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। अब गाइस, ये जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे यहाँ पर बनाएंगे वो समझना है। ये जो टॉपिक है गाइस बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रीजन क्या है गाइस, प्रैक्टिकल सा टॉपिक है। अब आप लोगों को समझ आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्चुअल में यूज क्या होता है। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे, अभी तक तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सेकंड चैप्टर के अंदर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा, क्यूबिक पॉलीनोमियल्स को हमने वहां पे सॉल्व करा। अब यहां पर हम ये समझ रहे हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते कैसे हैं, एक्चुअल में बनती कैसे, उसका यूज क्या है। तो गाइस है ना इंटरेस्टिंग है, सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमें क्वेश्चन गिवन है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। हमें एक प्लॉट दे रखा है, उस प्लॉट की जो शेप बताई है उसने, दैट इज रेक्टेंगुलर, और उसकी जो एरिया बताया उसका जो टोटल एरिया है दैट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, और जो लेंथ है वो उसने बता दिया, द लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, चलिए आगे चलते हैं। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पाइप। लेंथ कैलकुलेट करनी है और प्लॉट की ब्रेथ कैलकुलेट करनी है। अब क्वेश्चन ये बनता है गाइस, हमें यहां पे क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एरिया दे दिया हमें, किस चीज का एरिया दे दिया, प्लॉट का एरिया दे दिया। अब हम लोग कैसे निकाल लेंगे उसकी लेंथ और ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए कुछ ना कुछ गिवन तो होगा ना, तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लेंथ और ब्रेथ के लिए उसने हमें क्या गिवन है, हमें उसने ना क्वेश्चन घुमा के दे दिया। क्या घुमाया, कह रहा जो ये लेंथ है इसकी, उसने लाइन लिखी क्या दिया, जो लेंथ है कहते जो लेंथ है वो है वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कहते जितनी ब्रेथ है उसको समझते हैं, जितनी ब्रेथ है उसका जब ट्वाइस करेंगे, उसका जब हम डबल करेंगे, किसका, ब्रेथ का, ब्रेथ का जब डबल करेंगे उसके अंदर जब वन प्लस करेंगे तो वो लेंथ के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब देखिए फिर से लिख लेते हैं हम, तो लेंथ का मतलब क्या हुआ, जितनी लेंथ है, लेंथ क्या होगी, जितनी हमारी ब्रेथ है, अगर हम ब्रेथ को टू से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ट्वाइस में उसने ट्वाइस लिखा है, प्लस उसके अंदर वन करेंगे तो जितना ही आएगा वो हमारी लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो हमारी लेंथ भी आ जाएगी और ब्रेथ भी आ जाएगी, क्लियर है ये चीज। अब हमें अब हम यहाँ पे एक चीज समझते हैं। अब देखिए पहले पूरा क्वेश्चन को एक बार ना, देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम एक बार क्वेश्चन को पूरा समझ जाएंगे ना, उसके बाद तो बस क्वेश्चन को समझ गए, फिर तो बस आप लोगों ने कुछ नहीं करना, अपने जस्ट कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर देना। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। सो देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है रेक्टेंगुलर एक प्लॉट, ऐसी शेप होती है रेक्टेंगल की, ठीक है, ये हमारी इस तरफ लेंथ है और ये ब्रेथ है। अब वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर जो एरिया है इसका, एरिया दिस इज एरिया, वो कह रहा है जो एरिया गिवन है इस प्लॉट का, वो एरिया उसने बता दिया, कहता जी 528 मीटर स्क्वायर है, ये एरिया बता दिया उसने, राइट। दूसरी बात, अब हमें ना हमें लेंथ पता ना ब्रेथ, लेकिन इतना पता है कि जो ब्रेथ है, ब्रेथ का जब डबल करेंगे प्लस उसके अंदर वन करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा लेंथ के, यही हमें गिवन है। सो अब हम क्या करेंगे, अब मैं जो आपको मैंने जब वीडियो स्टार्ट हुई थी मैंने आपको हमको बताया था, हम लोग यहाँ पे ये चीज सीखेंगे इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, प्लस हम लोग ये सीखेंगे, ये देखो इक्वेशन को फॉर्म करना वो भी चलिए वो तो फॉर्म हो जाएगी, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आप लोगों को भी आती होगी कि हम लोग एक्स किस चीज को लें और वाई किस चीज को लें, आती है ना, मेरे टाइम पे मुझे भी आती थी। तो अब ये प्रॉब्लम जैसे मुझे आती थी तो मैं नहीं चाहता आगे मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है। तो आप लोगों के लिए मैंने देखिए यहाँ पे सोल्यूशन किया है, देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो गाइस ध्यान से सुनते जाना, आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे, बस इस कंसेप्ट को पकड़ के रखना है जैसे मैं करवा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए हमने क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो लेंथ, जो है लेंथ वो क्या है,
ब्रेथ का ट्वाइस है, इसका मतलब है अगर क्वेश्चन के अंदर अगर ब्रेथ हमें गिवन होती, अगर हमें ब्रेथ पता लग जाए तो ब्रेथ का अगर हम ट्वाइस करेंगे उसके अंदर वन प्लस करेंगे तो लेंथ आ जाएगी। तो जिस चीज के ऊपर इन्फॉर्मेशन बेस्ड होती है, मीन्स जब एक इक्वेशन या क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं, जो क्वेश्चन में हमें जो चीज कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो जिस चीज के ऊपर इन्फॉर्मेशन बेस्ड है अगर वो चीज हमें कैलकुलेट हम कर लें तो हमें बाकी सभी इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी। तो वो जो मेन टर्म होती है जिस चीज के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, हम उस चीज को एक्स लेते हैं, हम उस चीज को एक्स अज्यूम करते हैं। सो गाइस ये चीज क्लियर होगी। अब देखिए यहां पर हम फिर से समझते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, उसके बाद वन मोर है। तो इसका मतलब है यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेथ के ऊपर बेस्ड है। तो हम यहाँ पे किस चीज को अज्यूम करेंगे एक्स, यहाँ पर हम ब्रेथ को एक्स अज्यूम करेंगे। चलिए गाइस चलते हैं देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। सो हम मान लेंगे लेट ब्रेथ बी, हमारी जो ब्रेथ है ठीक है, ब्रेथ तो हम लोगों ने क्या किया यहां पे ब्रेथ को प्लॉट की जो ब्रेथ है हमने उसको एक्स अज्यूम कर लिया। और अगर ब्रेथ एक्स है तो हमारी लेंथ क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर जो हमें गिवन था वो कह रहा था जितनी ब्रेथ होगी, ब्रेथ का जब हम डबल करेंगे तो उसके अंदर जब वन प्लस करेंगे तो हमारी लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ क्या होगी, अगर लेंथ क्या होगी, जो ब्रेथ है, ब्रेथ दैट इज एक्स तो हमने अभी अज्यूम किया, एक्स इंटू टू करेंगे बिकॉज ट्वाइस उसने बोला है, ट्वाइस अगर ब्रेथ का ट्वाइस करते हैं वन मोर उसमें वन प्लस करते हैं तो लेंथ आ जाती है। तो लेंथ क्या आएगी, सो हम लिखेंगे सो लेंथ ऑफ द प्लॉट कितना होगा, सो हम लिखेंगे सो लेंथ ऑफ द प्लॉट एक्स इंटू टू प्लस वन, विच मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन, बिकॉज जब एक्स इंटू टू करेंगे तो टू एक्स हो जाएगा, टू एक्स प्लस वन हो जाएगा। क्लियर है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है राइट। अगर एरिया गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, या हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में भी बोध किया है ठीक है। सो हम क्या करेंगे, नाइन्थ क्लास में एट्थ क्लास में आप लोगों ने ये क्वेश्चन इस टाइप के लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया कैलकुलेट करना, रेक्टेंगल का एरिया, ये सिक्स से स्टार्ट हो जाता है हमारा राइट। सो देखिए हम क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम लिखेंगे सो गाइस एरिया ऑफ द प्लॉट हमारे पास क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो एरिया ऑफ द प्लॉट हमें गिवन है क्वेश्चन में कितना है, दैट इज 528 मीटर स्क्वायर राइट। एंड लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमारे पास क्या है, अभी हमने देखा हमारे पास जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, लेंथ हमारे पास है 2x प्लस 1, और हमारे पास ब्रेथ क्या है, ब्रेथ हमारे पास क्या है, ब्रेथ हमारे पास x है। हो गया गाइस, अब देखिए इतनी सी बात, देखिए ये सबसे जो कंफ्यूजिंग जो पार्ट था वो ये वाला पार्ट होता है कि हम लोगों को ये नहीं समझ आता एक्स किसको लेना और वाई किसको लेना। यहाँ पे वाई की जरूरत नहीं पड़ी है, एक्स से ही हमारा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। वाई की जरूरत तब पड़ती है जब दोनों चीजें हमें दो चीजों के ऊपर इन्फॉर्मेशन बेस्ड होती है, वो भी हम करेंगे, वो हम देखेंगे अभी आगे। फोर्थ जो आपका क्वेश्चन आएगा हम उसके अंदर करेंगे उस चीज को, वहां पे स्पीड वाला कुछ क्वेश्चन है तो वहां पर चलेंगे। तो देखिए अभी अब कैसे करना है, अब हमने क्या करना है, इसको अभी अभी सोल्व नहीं होना, हमें क्या करना है यहाँ पे इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन को सोल्व नहीं करना है, वो तो क्वेश्चन में बोला था हमें इक्वेशन बनानी है। तो अभी इक्वेशन बनी नहीं है, अभी तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो सिंपल इक्वेशन बनी है उसको क्वाड्रेटिक में चेंज करना है। तो देखिए क्वाड्रेटिक में कैसे चेंज करेंगे, अब हम क्या करेंगे जैसे हम लोग पहले करते थे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस एक्स, किसके इक्वल है ये 528 मीटर स्क्वायर के राइट। अगर हम इक्वल टू को हटाएंगे, अगर हम इक्वल टू को इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो फिगर है 528 इधर आ जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर प्लस x, और ये इक्वल टू किधर प्लस का, इधर आके माइनस का, माइनस 528 मीटर इज इक्वल टू जीरो। तो कह लीजिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा।